हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ किड्स स्पेशल रेसिपी, जहाँ मैं बनाने वाली हूँ व्हाइट सॉस फ्रेंकी। यस, ये होने वाली है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी। वैसे तो हम फ्रेंकी में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट मैं आज आपको बताऊँगी आप मिनिमम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी और क्रीमी टेक्स्चर वाली फ्रेंकी कैसे बना सकते हैं। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने की ज़रूरत है। आप घर में ही कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही टेस्टी और बढ़िया सी फ्रेंकी बना सकते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और चलिए करते हैं अब वीडियो को स्टार्ट। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डो तैयार कर लिया है, जिसके लिए मैंने ली थी 1 बोल मैदा और मैंने इसको पानी से ही मला है। इसका डो आपको ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून ऑयल ऊपर से डाल रही हूँ इस तरह से। इतने डो में आपके 4 से 5 फ्रेंकी बन जाएंगे और अच्छे से इसको इस तरह से रब कर देते हैं और इसको कवर होने देते हैं और रेस्ट करने देते हैं 30 मिनट्स के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप 10 से 20 मिनट भी ले सकते हैं। और अब प्रिपेयर कर लेते हैं स्टफिंग। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है और अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून ऑयल। अब ऐड करते हैं पत्ता गोभी और अच्छे से इसको सॉटे कर लेंगे। अब ऐड करते हैं शिमला मिर्च और टमाटर और इनको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसको आप अराउंड 3 to 5 मिनट्स कुक करें, जिससे कि आपकी फ्रेश भी रहे और कच्ची भी ना रहे। सो 3 मिनट हो गए हैं और वेजीज हो गई हैं और अब मैंने कर दी है गैस ऑफ और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक ग्लास बोल में। सो यहाँ स्टफिंग रेडी है और अब मैं इसको रेस्ट करने देती हूँ। और अब रेडी कर लेते हैं व्हाइट सॉस। यहाँ मैंने फिर से कढ़ाई ले ली है और अब मैं डाल रही हूँ बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदा। मैदे को आप अच्छे से भून लें, मेक श्योर ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए और मीडियम गैस पर ही करें, जिससे ये जले भी नहीं। और अब ऐड करते हैं मिल्क। धीरे धीरे आप मिल्क ऐड करें और बहुत आराम से आपको ये करना है, जिससे कि इसमें लम्स ना रहें। देखिए, मैंने भी गैस ऑफ कर दी थी और अब मैं ऑन कर रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। ये जलनी नहीं चाहिए इस वजह से, तो आप ऐसे गैस को कम या तेज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से ऐसे ही हम कॉन्टीन्यूसली इसको चलाएँगे, जिससे कि इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। सो अब आप देख सकते हैं कितनी स्मूद हो गई है सॉस। तो अब हम यहाँ पर इसको कुक करेंगे 5 मिनट्स के लिए, जिससे कि ये क्वांटिटी में भी कम हो जाएगी और अच्छे से पक भी जाएगी। सो 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूद हो गई है और क्वांटिटी भी इसकी कम हो गई है। इसका मतलब अब ये बिल्कुल रेडी है। और अब जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखी थी उनको इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और अच्छे से सारे स्पाइसेस को मिला देंगे और इसको रख देते हैं एक साइड पर। सो अब प्रिपेयर कर लेते हैं बेस। 30 मिनट्स हो चुके हैं और जो डो है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, तो अच्छे से हम एक बार इसको फिर से मल लेंगे, जो हमारा ऑयल था जिससे वो एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से इस तरह से। तो देखिए, ये बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट डो, जैसे हम नॉर्मल रोटी का बनाते हैं वैसा बनकर तैयार है। अब इसकी बना लेते हैं बॉल्स और इसको बेल लेते हैं। सो इसको बेलते हुए आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है।
और इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और ना ही ज़्यादा मोटी, तभी अच्छा बनेगा। तो जितना भी साइज़ आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से ही बॉल बनाएं और उतनी ही बड़ी अपनी फ्रैंकी या ये बेस तैयार कर लें। तो मेरा बेस तो देखिए रेडी हो गया है और अब मैंने ले लिया है एक पैन और इसको मैं सेक लेती हूँ। इसको आप थोड़ा हाई फ्लेम पर ही सेकें। यहाँ पर मैं बटर या घी कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ सेकने के लिए, अगर आप चाहें तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही लाइट पैचेस आने लगे आपको बस उतना ही इसको करना है, बट मेक श्योर ये कच्चा ना रहे, कॉर्नर्स आप इसके अच्छे से सेकें। सो यहाँ ये तैयार हो गई है। सो गाइस अब कर लेते हैं इसको असेंबल। तो यहाँ पर ये रहा मेरा बेस और ये रही स्टफिंग, तो हम अच्छे से पूरी तरीके से इसको कवर्ड कर देंगे। इट्स अप टू योर चॉइस आप कितना ज़्यादा इसको लगाना चाहते हैं, वैसे जितनी ज़्यादा स्टफिंग होगी उतनी ही ज़्यादा ही अच्छा होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगाइए। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, जहाँ वो वेजीज खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत टेस्टी वे में हम वो खा पाएंगे। और अगर आप चाहें तो बेस आप आटे का भी बना सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया है और अब कर लेते हैं इसकी फाइनल प्लेटिंग। सो हेयर इज द फाइनल लुक गाइज, मेरी क्रीमी व्हाइट सॉस फ्रेंकी तैयार है और मैंने यहाँ पर इसको सर्व किया है टोमेटो सॉस के साथ। सो गाइज इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों की डेफिनेटली ये पहली पसंद बनने वाली है। और यहाँ पर मैंने इसको कम इंग्रेडिएंट्स के साथ दिया है एक नया ही क्रीमी टेक्सचर, तो आप इसको एक बार बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी फ्रेंकी कैसी बनी है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।